এই পোশাকজোৰ পিন্ধি এতিয়া বিপদত পৰিছে বলিউডৰ অভিনেত্ৰী তাপসী পান্নু। তাপসীৰ এই পোশাকজোৰ মন কৰক, এটা ৰঙা গাউন। পোশাকজোৰ চাবলগীয়া বিশেষ একো নাই, কিন্তু তাপসীৰ ডিঙিলৈ মন কৰক। ডিঙিত এটা প্ৰকাণ্ড লকেট, এই লকেটটো ভালকৈ চাওক। দেৱী লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে এই লকেটত, অৰ্থাৎ দেৱী লক্ষ্মীক ডিঙিত লৈ ৰেম্পত খোজ দিছে অভিনেত্ৰী তাপসী পান্নু। লেকমি ফেশ্বন উইকত এইদৰে ৰেম্পত দেখা গৈছিল বলিউডৰ অভিনেত্ৰীগৰাকী। তাপসী পান্নুৰ উদ্দেশ্য কি আছিল নাজানো, কিন্তু তাপসী পান্নুৰ ডিঙিত দেখা এই লক্ষ্মীমূৰ্তিক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে বিতৰ্কৰ সূচনা হৈ গৈছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে, তাপসী পান্নুৰ বিৰুদ্ধে গুৰুজি উঠিছে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। হিন্দু ধৰ্মৰ সংস্কৃতি में इस प्रकार का प्रदर्शन वर्जित है। लक्ष्मी की मूर्ति धारण करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस अवस्था में जिसका स्वयं अस्तन खुला हुआ हो और दोनों अस्तनों के बीच में लक्ष्मी को लटकाना हिंदू धर्म के विपरीत है, मर्यादा के विपरीत है, भारतीयता के विपरीत है, भारतीय संस्कृति के विपरीत है। इसलिए देवी देवताओं की छवि को धूमिल करने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र से देश की जनता को भ्रमित नहीं होना चाहिए। देश की जनता ये चाहती है कि हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रदर्शन खुलेआम इस प्रकार न किया जाए जिससे समाज में इसके प्रति दुर्भावना पैदा हो जाए। हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और इसलिए आराधना करते हैं कि हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, लेकिन भगवान को देवी देवताओं को अपने बाह्य चिन्ह के रूप में धारण करके खुला नग्न प्रदर्शन करना ये उचित नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए, भारत सरकार से मेरी यही याचना है। मैं चाहता हूँ कि समाज में ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार का कुत्सित षड्यंत्र करके देवी देवताओं को नग्न रूप में प्रदर्शित करने का जो प्रारूप बनाया जा रहा है, ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। তাপসী পান্নুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। এই পৰ্যন্ত তাপসীয়ে ক্ষমা খোজা নাই, কিন্তু বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনে ভগৱানক অপমান কৰাৰ বাবে অভিনেত্ৰীগৰাকীক ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।